मुंबई में आतंकवादी घटनाओं में अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए पाक नागरिक अजमल कसाब को फांसी की सजा सुनाए जाने की अपील की गई है। अजमल कसाब पर लगाए गए सभी 85 आरोपों को अदालत के द्वारा सही मानकर अजमल कसाब को दोषी ठहराते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। दीवार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभात गोयल व वरिष्ठ पत्रकार सुशील कुमार शर्मा ने हमारे सिटी न्यूज संवाददाता को रूबरू अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं इस तरह से व्यक्त की। सबसे पहले में तो इसमें जो शासकीय अधिवक्ता सीबीआई के वकील हैं श्री नितिन जी, उनको बधाई देना चाहूँगा। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से और कम समय में प्रोसिक्यूशन पूरा करा। उसके बाद जहाँ तक सजा की सवाल है, ये चूँकि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है और मानवता के विरुद्ध अपराध है, देश के विरुद्ध अपराध है, इतने अधिक लोगों की जान ली गई है, तो न्यायालय के समक्ष फांसी के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसमें उसको सिर्फ फांसी ही होगी और फांसी ही होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी सजा का प्रावधान इतने बड़े अपराध के लिए हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि अगर मामूली कोई कत्ल होता है उसमें भी उम्र कैद तो होती है। इतने अधिक लोगों को मारा गया है और दो देशों के जो अच्छे संबंध बनते जा रहे थे उनको बिगाड़ दिया गया है। इस घटना से देशों के संबंध में बहुत बड़ी कटुता आई है, एक दूसरे के नागरिकों को संदेह की दृष्टि से देखने लगे हैं। इतने बड़े अपराध के लिए फांसी के अतिरिक्त और भी सजा ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो दोषी लोग हैं उन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए। अजमल कसाब ने जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अच्छे संबंध बनने जा रहे थे उसमें बहुत बड़ी बाधा खड़ी की और इस बाधा का परिणाम ये हुआ कि आज भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अच्छे नहीं हैं। और कई बार तो ऐसा हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री और पाकिस्तान प्रधानमंत्री आमने सामने होते हुए भी अच्छे दोस्तों की तरह बात नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में अजमल कसाब का जो भी दोष है वो अक्षम्य है, वो क्षमा योग्य नहीं है किसी भी कीमत पर, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।